गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, माय नेम इज संध्या कुमारी, आई स्टडी इन क्लास 8। मैं आप सभी को राजा राम मोहन राय के बारे में बताने जा रही हूँ। राजा राम मोहन राय एक समाज सुधारक थे जिन्होंने समाज के लिए अनेक कार्य किए हैं, जैसे सती प्रथा का विरोध, अंधविश्वासों का विरोध। और राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 ईस्वी को पश्चिम बंगाल के हुगली के जिले राधानगर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम रमाकांत राय था और उनकी माता का नाम तारिणी देवी था। राजा राम मोहन राय की मृत्यु 27 सितंबर 1833 को इंग्लैंड के ब्रिस्टल नगर में हुआ था। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की थी। उनका कहना था कि ईश्वर एक है, उस पर उन्होंने प्रचार प्रसार किया था। राजा राम मोहन राय कोलकाता से ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। राजा राम मोहन राय भारतीय नवजागरण के अग्रदूत के रूप में भी माने जाते हैं। थैंक यू। साथियों, देखिए हमारे कंपोजिट स्कूल लक्ष्मणपुर में एक नवाचार किया जा रहा है कि सभी बच्चों को एक महापुरुष के बारे में पढ़ के आना है और बताना है। ये तो आपने सुन लिया, लेकिन क्रॉस क्वेश्चन किया जाएगा जो हमारे कंपोजिट स्कूल लक्ष्मणपुर के इंचार्ज प्रधान अध्यापक श्री सत्य प्रकाश यादव जी करेंगे। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पूछे सर। सत्य प्रकाश क्या है? सती प्रथा वह प्रथा है जो किसी औरत का पति अगर मर जाता है तो उस औरत को जिंदा जलाए उस सीता पे जलना होता है। ये सती प्रथा है और ये अन्याय कृति है, इसी का राजा राम मोहन राय ने विरोध किया था। वेरी गुड, क्लैप करो।